हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी टाइम्स विद किड्स जोन। फर्स्ट सेक्शन है हाइब्रिड एनिमल्स, जहां पर की टू एनिमल्स जाते हैं घूमने और रात को मजीशियन उनको इंटरमिक्स कर देता है। अब देखिए आज क्या हुआ हमारे एनिमल्स के साथ। ये जो एनिमल आप देख रहे हैं, ये मैजिक के बाद एक हाइब्रिड एनिमल बन गया है, जो हमारे मजीशियन ने कर दिया। अब आप क्विकली ये बताओ, मैं भी सोच रही हूँ कि कौन से दो बेस्ट फ्रेंड्स घूमने गए थे। आई गेस आप समझ गए होंगे। बताऊं कौन से दो एनिमल्स गए थे? ये देखिए, एक तो गया था हमारा ब्यूटीफुल सा पिकॉक और एक गई थी हमारी प्यारी सी डक। अब मजीशियन ने क्या करा, फेस एंड नेक तो ले ली उसने डक की और रिमेनिंग बॉडी नीचे से ले ली उसने पिकॉक की और बना दिया एक हाइब्रिड एनिमल। कितना प्यारा सा क्यूट सा ये हाइब्रिड एनिमल बन गया हमारा। समझ गए आप किन दो को फ्यूजन से बना है? हमारे मजीशियन ने जो दो बेस्ट फ्रेंड्स घूमने गए थे, जिसमें एक थी प्यारी सी पेंगुइन और एक था लायन कब, इन दोनों को लायन ने हाइब्रिड कर दिया। फेस आ गया इसमें पेंगुइन का और रिमेनिंग बॉडी आ गई हमारे लायन कब की। तो चलो आप सबको मिलते हैं इसमें फुल पॉइंट्स एंड 5 स्टार्स। अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में आज हम बनाएंगे फंकी हेयर यूजिंग दीज कलरफुल वाइब्रेंट वूल। उसके लिए और हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा? डबल साइडेड टेप, हेयर बैंड ऑफ एनी कलर जो पुराना हो, सीजर्स और एक ऐसी छलनी किसी और टाइप की हो जिसमें बहुत सारा ऐसा डिजाइन हो। ठीक है, एक एक फूल को डालिए और उसकी बिगनिंग को छलनी के छेद से निकाल दीजिए। ऐसे करके आपके पास जितनी भी कलर की वूल है, सबको छलनी के छेद से उनके बिगनिंग को निकाल के तैयार कर लो। अब देखिए, ये सारे के सारे कलरफुल थ्रेड्स मैंने सेम लेंथ के कर लिए और अब इनसे हम बनाएंगे अपने फंकी हेयर। अगर हमें लग रहा है ये इरेगुलर है, तो एक बार कट करके हमने सबकी यूनिफॉर्म लेंथ कर दी। अब ये लिया हमने डबल साइडेड टेप लगा दी, किस पे? एक पुराने हेयर बैंड पे। अब ये डबल साइडेड टेप का अपर पेपर मैंने रिमूव करा और अब देखें हम अपने फंकी हेयर कैसे बनाने वाले हैं। ये देखिए, हमने सेम लेंथ अपने अपने सारे कलरफुल वूल को इकट्ठा करा और ऐसे करके हमने इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, सेम प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है और डबल साइडेड टेप के ऊपर पेस्ट करना है। हम सारी डिफरेंट डिफरेंट फूल्स की बिगनिंग को एक साथ फुल करेंगे, उनको कट करेंगे और डबल साइडेड टेप के ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। ये प्रोसेस 7 to 8 टाइम्स हमें रिपीट करना होगा एंड दिस हेयर बैंड इज गोइंग टू लुक सो फंकी दैट यू कैन वेयर इट ऑन एनी ओकेजन। ये देखिए, अब देखो यहाँ से थोड़ी सी लेंथ अनइवन है, तो मैं सीजर से सबकी लेंथ को इवन कर देती हूँ। अब ये हमारा हेयर बैंड तैयार हो गया। अब आप इसको पार्टी में पहनेंगे तो एक अलग ही लुक आ जाएगी। बर्थडे पार्टी में ये पहन के जाएंगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। अब देखिए, ये है एक मेरी डॉटर की बहुत पुरानी डॉल। इसको हम दोबारा से न्यू कैसे करेंगे, ये मैं आपको शो करती हूँ। ये देखो, इसका हेयर बैंड मैंने ऊपर करा और यहाँ लगा दी मैंने डबल साइडेड टेप।
अब इस डबल साइडेड टेप को मैं एक साइड से हटा लूंगी इसके ऊपर का पेपर और सेम मेथड से इन वूल को यहाँ पे लगाऊंगी। अभी शो करती हूँ। अब देखिए मैंने ये सारे अलग अलग कलर्स की वूल यहाँ पे लगा दी। अब मैं इसके हेयर बैंड को कर लूंगी नीचे और यहाँ से जो इनकी अनइवन लेंथ है उसको हम कर देते हैं सेम। ये देख, इस कटिंग में आप अपनी मम्मा की हेल्प भी ले सकते हो। ये देखो हो गई हमारे डॉल की हेयर रेडी। तो देखिए इन फंकी हेयर बैंड से मैंने इस अपनी पुरानी डॉल को बिल्कुल नया कर दिया। लग रही है ना बहुत प्यारी सी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हैप्पी टाइम्स एंड गुड बाय।